हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस कोरोना युग में एक सार्थक जिंदगी कैसे जी जा सकती है, इसके ऊपर एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो लेके आए हम। आज की कहानी है हमारी जेम्स एडम्स की, जिन्होंने हमें एक सार्थक जिंदगी जीने के लिए नई दृष्टि दी है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं, सार्थक जिंदगी जिए। उत्साह से भरपूर एक युवक कॉलेज से निकला था, जन सेवा उसके जीवन का उद्देश्य था। कॉलेज से निकलने के बाद वह बीमार पड़ गया और मेडिकल चेकअप करने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि युवक 6 महीने से ज्यादा नहीं जी सकेगा। बिस्तर पर लेटे हुए जब उसने सुना तो वह जरा भी नहीं घबराया और बोला, ईश्वर ने मुझे 6 महीने की मोहलत तो दी है, यह कम नहीं है। इस अवधि का उपयोग करने से मुझे मरते समय तक कम से कम यह तो संतोष रहेगा कि मैंने सार्थक जिंदगी जी। अतएव उसने अपना जीवन विकलांग बच्चों के आश्रम को समर्पित कर दिया। सेवा के बदले वह वेतन अथवा अन्य किसी भी प्रकार का लाभ नहीं लेता था। उसने कुछ बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने की ऐसी प्रेरणा दी कि वे भले चंगे होकर घर चले गए। उनके माता पिता ने युवक को मन चाही धनराशि देनी चाही, लेकिन उसने विनम्रता से इनकार कर दिया। उसे यह पता ही नहीं चला कि 6 महीने कब बीत गए। जब लोगों ने अवधि बीत जाने की बात उससे कही तो वह बोला, मेरी जिंदगी पर आश्रित बच्चों के नाम समर्पित है, ईश्वर जब तक चाहे मुझे जिंदा रखे, मैं अपने एक एक पल का प्रयोग इसी सदुपयोग इसी उद्देश्य में करूंगा। यह युवक था जेम्स एडम्स, जो 80 साल तक सार्थक जिंदगी जीता रहा और वह आश्रम आज भी जेम्स एडम्स आश्रम के नाम से विख्यात है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सबक मिला? हमारा सबक आज की कहानी का ये है कि कोई व्यक्ति जब एक आदर्श का निर्माण कर लेता है, एक प्रेरणा वाक्य का निर्माण कर लेता अपने जहन में, फिर कोई भी बाधा उसे प्रभावित नहीं कर पाती। वह एक दैविक शक्ति में विश्वास प्राप्त कर लेता है और सकारात्मक जीवन जी लेता है और इस प्रकार वह अमरत्व को प्राप्त करता है। बस जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति और ईश्वर में सच्चा विश्वास। तो जेम्स एडम्स ने एक वाक्य अपने जहन में निर्माण कर लिया कि मुझे अपना जीवन इन बेसहारा बच्चों को समर्पित करना है। तो अपने आप दैविक शक्ति ने उसका मार्ग प्रशस्त किया, उसका सहयोग किया और वो जो 6 महीने तक जीने वाला था वो 80 साल तक जीता रहा और बच्चों की ताउम्र सेवा करता रहा। तो ये है हमारी आज की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे।